टाइम जो हो रहा है वो सुबह के 6 बज रहे हैं, 6 बजकर 5 मिनट, और हमारा जो सफ़र शुरू हुआ बैग पैक से, और साथ में मैंने उठाया एक जैकेट क्योंकि सर्दी बहुत है वहाँ पे, और साथ में कैरी किया मैंने कुछ कैश, सफ़र के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रेबन एविएटर, और निकल पड़े हम अपने सफ़र पे। और अपने दरवाजे को लॉक करते हुए, तो गाड़ी भाई साहब रेडी हो चुकी है, थोड़ा इसको साफ़ कर रहे हैं फिर हम निकलेंगे अपने सफ़र पे। भाई ने जैकेट पहन लिया क्योंकि जहाँ पे हम जा रहे हैं बाइकर बहुत सर्दी है, और टाइम भी अभी सर्दी वाला ही, सुबह सुबह। चलो गाड़ी को करते हैं कोल्ड स्टार्ट, फिर निकलते हैं अपने सफ़र पे, इंशाल्लाह जो सफ़र अच्छा होने वाला है। तो भाई ये बोर्ड है अलकुरेश का, जिसने भी डेकोरेशन कुछ भी, घर का, शादियों का कुछ भी, वाटरप्रूफ टेंट से लेके हर एक चीज़ अवेलेबल है भाई साहब, ठीक है? तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। भाई गाड़ी में फ्यूल भी नहीं है, फ्यूल डलवाना है। हम क्रॉस कर रहे हैं थाना मंडी, अभी पूरी मार्केट बंद है क्योंकि सुबह का टाइम है, अभी कुछ भी नहीं यहाँ खुला। तो भाई साहब बताना चाहूँगा आपको, रोड कुछ देरा गली वाली जो है वो इस टाइप की है, बीच में कुछ जो पैचेज हैं वो थोड़ा ख़राब है, बाकी ये है कि ऑलमोस्ट जो है ब्लैक टॉप हो चुका है। सब ये देखो क्या इंजॉय कर रहा है भाई, गढ़ ट्रक के ऊपर जा रहा है पीर की गली बैठ के। भाई साहब बता दूं आपको कि पीर की अपना सॉरी देरा गली के इस साइड की जो रोड है थोड़ा सारा काम चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा ख़राब है, बट ये है कि उस साइड तो ऑलमोस्ट काम हो चुका है क्योंकि बफलियाज ये फर्स्ट ब्रिज है। मैं बता दूँ आपको, ये है यहाँ पर नूरी छम, एक वाटरफॉल है जो नूर जहाँ के नाम से बहुत फेमस हुआ यहाँ पे। चंदीबड़ की मार्केट, यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त के घर यहाँ पे हैं। पहले पहले रोड जो यहीं तक आती थी, अब जो यहीं से मोगो रोड जो पूरा खुल चुका है। अब ट्राई करेंगे यहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे, गाड़ी कहीं पार्क करते साइड पे, चलते हैं चाय के लिए। स्पेशल यहाँ की भाई सुबह सुबह रोटियाँ लगा रहे हैं भाई, सब जबरदस्त वाले, ये देखें आप, फेमस यहाँ के कुलचे और ये तंदूर जलता हुआ। तो भाई ये यहाँ की फेमस चाय होती है, इसको नमकीन और नून चाय, इसका कलर जो है पिंक होता है, और साथ में हम खाएंगे कुलचा ताज़ा ताज़ा वाला। बेसिकली यहाँ की जो चाय ना ये स्पेशल होती है भाई, सर्दियों में इसी का यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सर्दी में यही जो चाय है इंसान के अंदर गर्मी पैदा करती है यार। नून चाय बोलते हैं, पिंक कलर की होती है, और यहाँ की फेमस चाय है जी, किसी को पूछे नमकीन चाय। मज़ा आ गया पी के, अभी मौसम भी बहुत प्यारा है, चल रही फर्स्ट क्लास तरीके के साथ। तो गाइस ये है सेकंड ब्रिज, इसको बोलते हैं पन्नाड ब्रिज, इसको फर्स्ट कभी कभी शीशा वाला ब्रिज भी बोलते थे। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है यार, यहाँ से अगर नीचे में दिखा नहीं पाऊँगा, बट बहुत ज़्यादा हाइट है। तो गाइस ये है पछाना चेक पोस्ट, यहाँ पे चेकिंग की जाती है, और इसके बाद यहाँ से चेकिंग करने के बाद हर एक गाड़ी का मतलब पार्ट कलर सब दिखाने के बाद उसके बाद छोड़ा जाएगा आपको। ये देखें अब इसके बाद अभी यासर की चेकिंग हो रही है वहाँ पे, उसके बाद छोड़ेंगे ना। टाइम हो चुका है 9:45 हो चुके हैं, तो अभी हम पहुँच चुके हैं छत्ता पानी जो ब्रिज है, ये आप देख सकते हैं। तो गाइज कोई ट्रैफिक नहीं, और इतना सुकून कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब इतना सुकून, इतना मज़ा, मतलब हद से ज़्यादा। कोई ट्रैफिक नहीं, मतलब कोई कुछ टाइम के बाद एक एक दो दो गाड़ियाँ आ रही हैं, जितना ट्रैफिक उस रोड पर होता है यहाँ पर इतना नहीं है, और बहुत मज़ा आया कसम से गाइस, बहुत मज़ा। तो इसी रोड से आए भाई, अपना ब्लैक बुल जो है फिर से सफ़र पे बेचारा चल पड़ा है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते निकलते हैं आगे हम। सब ये नज़ारा है कुछ पीर की गली टॉप का, ज़्यारत के पास हम पहुंच चुके हैं, अभी हम दिखाएंगे आपको। यहाँ पे थोड़ा सा रोड ख़राब है, बट ये है कि साफ है, ठीक है, अच्छा है, ट्रैफिक कंजेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कुछ नीचे का नज़ारा है भाई, यहाँ देखिए अब नीचे कहाँ से हम आए। ये देख सकते हैं आप ज़ियारत, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी जाएंगे हम ज़ियारत पे, करेंगे दुआ, और थोड़ा सा यहाँ का मंजर मैं आपको दिखा दूँ। ये कुछ इस टाइप का ज़ियारत का यहाँ मंजर है भाई साहब। चेरी 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 आ गई है मार्केट में गाइस, तो वापस वापस जब जाएंगे तब हम लेंगे, अभी तो नहीं ले पाएंगे अभी हम चेरी। ओ माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें आप, वो देखें सीख कबाब है, सीख कबाब। सभी लभी सांसें लो यहाँ पे, फ्रेश एयर, फ्रेश।
यह स्पेशल यहाँ की तुझ मटन तुझे मटन तुझ भाई, पहले जाएंगे हम ज़ियारत पे तो फिर देखेंगे आगे क्या होने वाला है। यहाँ पे चल के देखते हैं ज़ियारत का मंजर। यहाँ पे नमकीन चाय मिलेगी आपको, यहाँ खुद धो लो और खुद चाय वगैरह पी लो आप। यहाँ पे चाय वगैरह बनती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ज़ियारत है भाई पीर की गली की। ये आप देखें, करेंगे दुआ यहाँ पे थोड़ी सी। मंजर है, यहाँ पे चाय मिलती है और यासर पी रहा है चाय। कौन सी चाय है? नमकीन चाय, बिना दूध के इसको बोलते हैं कावा। कौड़ी चाय और सत्तू यहाँ मिलते हैं भाई। बाबा का लंगर हमेशा चालू, अल्लाह हमेशा चालू रखे इसको। और ये पीछे आप देख सकते हैं पूरी वाइट चादर बिछी हुई है। अभी हम जाएंगे यहाँ पे, थोड़ा सा करेंगे इंजॉय, दिखाएंगे आपको, फिर वापस आके हम पियेंगे चाय यहाँ की। भाई बहुत हाइट पे ये, बहुत मस्जिद शरीफ, ये है मस्जिद शरीफ माशाल्लाह। भाई देखो ये मस्जिद कितनी, देखते हैं यहाँ पे क्या है माशाल्लाह। ये देखिए यहाँ मस्जिद, यहाँ पे नमाज अदा की जाती है। ये देखें, हाय हाय हाय, भाई साहब सब लोगों ने जैकेट पहना और भाई ने टी शर्ट पहनी है, फुल टू पावर एंजॉय करने वाला है भाई, क्योंकि यार ये हवा कहीं नहीं मिलने वाली दोबारा। तो भाई मैं आपको हमेशा नई नई चीज़ दिखाता रहता हूँ, तो आज फिर दिखाएंगे आपको यहाँ पे थोड़ी कब्र वगैरह बनी हुई, आपको दिखाऊंगा मैं ऊपर जाके। यार ये देखिए आप, वाह, मुझे लगता है जूता गिल्ला ना हो जाएगा, जूता गिल्ला होगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। बहुत तेज़ हवा चल रही है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। यार ये बहुत सारी फैमिली जो है पहुँच चुकी है। मेरी माँ ये वीडियो देख रही थी, मैं उसको बोलूँगा कि भाई दोबारा मेरे साथ आप प्यार रहो, इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ लेके आऊँगा, मेरा वादा रहा आपको लेके आऊँगा। ठंड पा कोरा कोरा जगह जो है, लेकिन से बर्फ है, हमारे पास वाटर प्रूफ तो नहीं पहने, ये है कि हमें बच के चलना पड़ेगा। ये है कि भाई स्लिप भी हो सकता है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे शू भी नहीं पहना। ये देखिए क्या नज़ारे बन गए यार, देखता ये नई बर्फ पड़ी है ना। हाँ जी जूता नहीं गिल्ला होना चाहिए भाई, अगर जूता गिल्ला हो गया समझो कि नहीं पड़ी है पता। सिर्फ टाइम था मैं वहां गया हुआ था पता है, तब बर्फ नहीं थी यार, आज जिसने बर्फ देखनी है वो यहाँ पे आ जाए भाई, और फ्रेश स्नोफॉल का पूरा फील ले यहाँ पे। मैं बात दूं यहाँ पे, अगर आपके पास क्या बोलते हैं उसको यार, वो स्नो स्नो बाइक, अगर यहाँ पे आपके स्नो बाइक होती तो आप इस जगह का मजा लेते। ओ भाई यार बर्फ चली गई पाँव के अंदर। ये देखो ये मजा है भाई, गिराओ अपने आप गोल 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 ऐसे 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 करके जा 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 जा, हाथ गोल कर, हाथ फोल्ड कर, हाथ तेज कर थोड़ा खुद को। चल 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 रुक मत। भाई का नीचे जाना बहुत टफ हो रहा है, मुझे लगता है मैं गिर पक्का गिरूंगा, मुझे लग रहा है ऐसा। भाई इधर नेटवर्क अगर होता तो सच में मैं अपने फैमिली को दिखाता यहाँ की एक्टिविटीज़ क्या है, यहाँ पे क्या सीन है,
बट नेटवर्क नहीं है और वीडियो कॉल यहाँ से कर नहीं सकते। कोई बात ही, थोड़ा आगे जाके हम उनको ये वीडियो सेंड करेंगे, इसके बाद दिखाएंगे, फिलहाल तो कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। तो यार यहाँ पे नेटवर्क होना चाहिए यार, यहीं से तो बंदा लाइव आए तो फिर मज़ा है। यहाँ पे जब तक नेटवर्क नहीं है तो बंदा ना कॉल कर सकता और ना ही अपनी फैमिली को बंदा यहाँ से दिखा सकता कि भाई इधर हम कर कह रहे हैं, बस ये कि वीडियो बना के सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत इंजॉय वाली थिंग्स करने को आपको मिल सकती हैं। मिल चुके हैं हमें यहाँ पे, सलामुअलैकुम। अभी एक्चुअली सुबह का टाइम है, टाइम अभी जो बज रहे हैं 10:30, तो 10:30 दिन को यहाँ पे काफ़ी पब्लिक होने वाली है। अभी हम बहुत ऊपर गए थे लेकिन वहीं से वापस आए, क्योंकि यार ऊपर जाएंगे वो टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा, ज़्यादा हम ऊपर नहीं जा पाए, बस यहीं तक है हमारा। तो चलो निकलते हैं भाई, आगे देखते हैं क्या सीन है। हमारा 11:12 और हम पहुंच चुके हैं दुबजन ब्रिज, बहुत ही खूबसूरत। और इसके बाद शुरू होता है हमारा हीरपुरा शोपियान। यार देखें खूबसूरत जगह इधर, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी जगह बनाई है। देखो यहाँ पे लोग रुके हुए हैं, इंजॉय करते हैं इस जगह को, घूमते फिरते हैं। और ये खूबसूरती देखें भाई, यार ज़िंदगी में यकीन मानो कभी ऐसी जगह नहीं देखी होगी। जैसे तो गलती से हम हाईवे पर चढ़ गए यार, पता नहीं अब इधर क्या टेंशन पड़ेगी हमें, गलत साइड आ गए मुझे लगता है। Thank you.